केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कानपुर में आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मोदी सरकार के 9 साल के किए कामों को जनता को बताया। 2024 में प्रधानमंत्री के कानपुर से चुनाव लड़ने पर बोले, जहां से मोदी लड़े चुनाव वो है उनका फैसला। कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। भारत में पूरी तरह से लोकतंत्र का है राज। लोग आए दिन प्रधानमंत्री पर करते हैं टिप्पणी। कानपुर लखनऊ में बिजली कटौती की समस्या जल्द होगी दूर। देश में सबसे अधिक यूपी का दिया गया फंड। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो उनके द्वारा कही गई। पिछले 9 वर्षों में ये तो मोदी जी का निर्णय है। वैसे मोदी जी का क्षेत्र उन्होंने जो चुना वो बनारस है। बनारस में उन्होंने बहुत विकास भी किया है, और अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो वही कहेंगे कि जहां हमने काम किया वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये मोदी जी की इच्छा है, और बनारस में से लड़ना उन्होंने इसलिए पसंद किया क्योंकि उसमें पूरे देश की आस्था निहित बनारस में, इसलिए उन्होंने चुना होगा बनारस। हमको तो यही लगता है। तो ये सवाल पूछना चाहिए मोदी जी से और उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ये हमको खबर हम मॉनिटर करते हैं केंद्र सरकार से कहाँ क्या हो रहा है। इधर हमने देखा कि लखनऊ में और कानपुर में कुछ इंटरप्शंस हो रहे हैं, तो हमने यहाँ आकर के जो UPPCL के चेयरमैन हैं देवराज, उससे वार्ता की कि क्या कारण है, और यहाँ पर जो केस्को है उनके जो MD है CMD, उनसे वार्ता की क्या है। तो ये फॉल्ट्स बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादातर ट्रांसफार्मर से फूकने का कुछ कारण यह भी है कानपुर में कि आप लोग बहुत ज़्यादा हुकिंग करते हैं। ये हुकिंग करना बंद कर दें, नहीं तो कोई ट्रांसफार्मर थमेगा नहीं। वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ टेक्निकल उसमें भी सिस्टम लगावे ताकि हुकिंग करे तो ट्रांसफार्मर अपने आप ऑफ हो जाए, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। वैसे बहरहाल हमने पिछली बार 24,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिया। 2,01,000 करोड़ में से 24,000 करोड़ हमने उत्तर प्रदेश को दिया सबसे अधिक। इस बार भी जो हमारी योजना है उसमें सबसे अधिक राशि हम उत्तर प्रदेश को ही दे रहे हैं। तो अभी और जो तार उनको बदलने होंगे और जो सबस्टेशन बनाना होगा और ट्रांसफार्मर खरीदना होगा ये खरीद लेंगे, तब आपका इंटरप्शन कम हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र उन्होंने इमरजेंसी लगा के खत्म किया था ना, वो भूल गए वो। आज भारत में जितना ये मजबूत लोकतंत्र है उतना शायद ही किसी देश में होगा। आप यहाँ देखिए साहब, कोई जिसको मर्जी हो वो प्रधानमंत्री को कुछ कुछ बोल देता, प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ बोल देता है। किसी दूसरे देश में आप नहीं देखेंगे, दूसरे देश में देखेंगे तो फिर हाँ चला जाएगा जेल। वहां पर तो ये पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कोई बोल दिया चला गया जेल। ये देखिए साहब, हमारे यहाँ जितना मजबूत लोकतंत्र है ना उतना बहुत कम देश में। ये तो हमको जानकारी।